एक सुकून सा मिलता है इस बारिश में, कुछ पलों के लिए सारे गम भुला देता है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं ब्यूटी फॉल। तो मेरे साथ हमारा कुछ भी भाई है और ये हमारा वैसे तो होने के लिए हमारा मामा लगा बट छोटा भाई है। तो अभी हम जा रहे हैं, बस एक दोस्त का वेट कर रहे हैं, अब सीधे निकलते हैं ब्यूटी फॉल के लिए। तो मिलते हैं सीधे आगे की वीडियो में। हाँ भाई लोग साथ में आ चुके हैं, बच्चो यहाँ पे देख कैन मिक्स देख। ठीक ठीक गाइस, यहाँ पे क्विटी फॉल पड़ता है, जैसे बिरती फॉल के थोड़ा नीचे पे एक फॉल पड़ता है, उसका नाम है महादेव फॉल। और वो यहाँ इन जंगलों के पीछे है, ये तो बरसात में काफ़ी अच्छा आता है। ये भाई आप लोग को दिख रहा है, ये है महादेव फॉल है। और हम क्विटी से चल पड़े हैं, हमें जाना है उस पहाड़ के बीच आस पास का बिरती फॉल के, और बिरती फॉल की ओर हम जा रहे हैं घूमने भाई लोग के साथ। सच्चा देशभक्त भाई जाने के लिए। हम सीधे जा सकते हैं क्योंकि 12 किलोमीटर ही है, लेकिन हम रुक के जा रहे हैं थोड़ा सा आप लोग को व्यू दिखाने के लिए। तो पीछे भाई लोग और ये हमारी गाड़ी। तो व्यू बहुत प्यारा है यहाँ का और बहुत ही मस्त। गाइस ये रास्ते बहुत ख़राब है हमारे पहाड़ों के, और देखिए बिल्कुल सारे पहाड़ बादलों से ढक चुके हैं। तो वो कहीं वहाँ पे बिरती फॉल है उधर पे दिख रहा, वो शायद दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं। और तो यहीं हम जाना है अभी, हमें मिलते हैं सीधा अभी। गांव जो है लाज झगला के नाम से है, और यहाँ 2009 में 7 अगस्त को जो है बादल फट गया था। तो स्मृति पटल है यहाँ पे, 38 लोग यहाँ कम से कम इनकी डेथ हो गई है। तो गाइस और बहुत ही बुरा यहाँ पे हुआ था, उधर पे वो गांव है कहीं जहाँ बादल फटा था।
सो गाइस यही वो जगह है जो पूरा गांव था यहाँ पे, जो ये जो नाला आ रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पर। सो गाइस ये देखिए पूरी रोड जो धस चुकी है यहाँ पे। प्रस्थान करते हैं पर ये जगह है कि यहाँ से नंदा देवी यात्रा के लिए जब यहाँ पर से जाते हैं हमारे कुंड के लिए। अच्छा, तो यहीं से लोगों को प्रस्थान किया जाता है यहाँ। अच्छा, तो बहुत लोग ये जो यहाँ पर से रास्ता है, यहाँ पर से रास्ता जा रहा है ऊपर को, यहाँ से देखते हैं तो इसमें यहाँ पर छोड़ने के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, यहाँ से मतलब दो तीन दिन का रास्ता है, वो एक दिन जाते हैं वहीं स्टे करते हैं, दूसरे दिन बुरास का फूल लेके आते हैं। बुरास का फूल ऐसे नहीं मिल जाता है, ब्रह्म कमल लेके जाते हैं, मतलब बुरास के फूल ऐसे मिल जाते हैं, ब्रह्म कमल के लिए जाते हैं। अच्छा, तो सच्चे मन से जाना पड़ता है उसके लिए, दरबार के लिए। सच्चे मन से जो जाएगा उसी को मिलेगा, साल में एक बार जाते हैं। अच्छा, वहाँ ये यात्रा हर जगह होती है यहाँ पर, ये मुंशियारी नाम समझ गए। तो आप देख रहे हो ये है वो जगह। अच्छा, तो आपको हम दिखाएंगे इसके बाद आने वाले जो आगे के आगे का अच्छा, है सीन अच्छा, हमारा है यहाँ पर आने वाले। इसके भी पहाड़ के बाद सीधे बिरती फॉल का नजारा अच्छा, 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 इसके बाद बिरती फॉल ही है गाइस। यहाँ हमारे मुंजारे में घूमने के लिए बहुत बड़े बड़े जगह है, तो आप आइए, फुर्सत से आइए, सब होगा। ये देखिए बिट्टू फॉल पहुंच गया गाइस। अब इसको ऐसे लेना, ऐसे लेना। ये देखिए सो गाइस वहाँ पर गाड़ी वाड़ी पार्क कर ली है, वहीं पे अभी हमने चाय पी थी और अब यहाँ से हम पैदल चल रहे हैं। तो यहीं से रास्ता है पैदल चलने का, ये यहाँ से ट्रैकिंग है। वैसे तो नदी नदी आती रहती है यहाँ से बगल से बढ़िया करके। अब ये ट्रैकिंग रास्ता है यहाँ से बिरती फॉल्स के लिए। तो गाइस सूटों से पता चला है कि ऊपर एक नई दुकान खुल गई है, जैसे कि हमें पूरी वाली बताया। और यहाँ पे चलते चलते हम थक चुके हैं, थके तो हम नहीं हैं लेकिन हमारा भाई थक गया जो बचा आया, वो अभी तक ऊपर नहीं पहुँच पाए। तो पीछे ये सबसे अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे लोग बैठ के फोटो खींचते हैं, बैठे यहाँ से और एकदम पीछे बहुत मस्त दिखता है, यहाँ से आसमान का बहुत बढ़िया व्यू यहाँ से आता है। और सबसे बढ़िया पॉइंट है जहाँ से आप बैठी फॉल की फोटो खींच सकते हो। घुबरा लोग नीचे बैठे हैं, दो भाई नीचे वो थक चुके हैं और एक भाई हमारा आ रहा है, पता नहीं वो कहाँ है अभी इस टाइम पे, नहीं पहुँचे वो, कुल्ला पता है वो। और ये बिरती गांव है, इस साइड को गांव है, इस साइड भी गांव है, काफी अच्छा आबादी क्षेत्र गांव है। हाँ, ये टीआरसी है यहाँ पे, जो लाल लाल टीआरसी है, ये टीआरसी है यहाँ पे। और गाइस जो आगे रास्ता दिख रहा है वो नया रास्ता कट रहा है गांव के लिए, गांव में विकास तो हो रहा है पर पता नहीं चल रहा है, पता चलेगा विकास हो रहा है पर पता नहीं चल रहा है। गाइस बिरती फॉल बहुत नज़दीक है यहाँ से, अब वो देखिए बस अब लगभग पहुँच ही रहे हम, बस थोड़ी चढ़ाई वाली ट्रैकिंग आनी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से चढ़ाई बहुत है लेकिन व्यू भी तो अच्छा है। बस लगभग हम पहुँचने वाले हैं, रेनबो बनी है यहाँ पे, दिख रहा है आपको। तो गाइस कपड़ों की हालत बिल्कुल गीली हो चुकी है, मतलब कि हम पूरे भीग चुके हैं। और अगर आप इस टाइम पे यहाँ आए बिरती फॉल तो जैकेट जरूर लेके आए।
यहाँ पे हम ब्यूटी पार्लर पे फोटो शूट हमने कर लिया, मतलब फोटो वोटो खींच लिया और यहाँ के हमने मक्की अच्छी कर ली अपनी, वो इसे ब्यूटी पार्लर करती है। और ये टेंट डेकोरेशन बनाया अपना, चाहे दुकान हुई किसी की, अब ये कोई नहीं करता। और हम भीग चुके हैं तो थोड़ा सा कपड़े पर थोड़ा जैकेट पहन के यहाँ पे आए थे, सबकी हालत एकदम खराब हो चुकी है। तो उसको कहा एक वीडियो करते यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो में, और सब्सक्राइब करें और क्या, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। ओके बाबा, थैंक यू यार, सभी को मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।